शिवपुरी में माधव नेशनल पार्क के करई गेट पर 19 मई को हुए विवाद का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में महिला डिप्टी रेंजर महंत को लाठी से पीटती नजर आ रही है। अन्य वन कर्मी महंत से मारपीट करते दिख रहे हैं। दरअसल शुक्रवार को पार्क प्रबंधन और बलारी माता मंदिर के महंत के बीच ईंटों से भरे ट्रक की एंट्री को लेकर विवाद हो गया था। महंत ट्रक को मंदिर तक ले जाना चाहते थे। वहीं वन कर्मी को CCF चीफ कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट उत्तम शर्मा ने ट्रक को पार्क के अंदर नहीं जाने देने के निर्देश दिए थे। बलारी माता मंदिर 24 मई से 2 जून तक सतचंडी यज्ञ का आयोजन। 24 मई को विशाल कलश यात्रा निकाली जानी है। माधव नेशनल पार्क के CCF उत्तम शर्मा का कहना है कि जब तक जिला कलेक्टर उन्हें इस आयोजन की परमिशन नहीं देते, तब तक कोई भी बड़ा आयोजन पार्क के भीतर नहीं होने दिया जाएगा। इधर मंदिर के महंत प्रयाग भारती का कहना है कि प्रशासन को इस आयोजन की सूचना पहले ही दी जा चुकी है। ऐसे में अगर 24 मई से पहले मामला नहीं सुलझा तो बड़ा विवाद होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता। इसी विवाद को लेकर आज कलेक्ट्रेट में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें कलेक्टर SP सहित जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। भैया, प्रशासन का कहना है कि सावधानी थोड़ी सी रखें जानवरों से। पैदल यात्री जाएंगे, थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ियां चले, तभी एकदम पैदल ना जाएं। एकदम पैदल जाएं और किसी जानवर ने अटैक कर दिया। देखो यज्ञ होगा, सारे ट्रक भी जाएंगे, गाड़ियां भी जाएंगी, ट्रैक्टर भी जाएंगे, पैदल लोग भी जाएंगे, जो पेड़ भर के जाते हैं वो भी जाएंगे। बस थोड़ा सा सावधानी रख के वो हम सब रखेंगे। पुलिस भी लगेगी, कलेक्टर साहब ने दिया है, महाराज साहब ने दिया है, और जिनके जो ट्रक खड़ा हुआ है ईटा का, वो भी इनको कल मिल जाएगा। कल मिल जाएगा, पर 24 तारीख को यज्ञ, इतनी जल्दी तैयारी कैसे हो पाएंगी? आपकी सारी तैयारियां करेंगे और प्रशासन सहयोग करेगा इसमें। लेकिन CCF साहब का ये कहना है कि हम ट्रक भी छोड़ देंगे और इनको आप कभी परेशान नहीं करेंगे, जो बाकायदा जा सकते हैं। बस इनकी सावधानी इनके साथ हुई है और पब्लिक है, और पब्लिक में इस तरह की होती है, कोई ना कुछ खा, कोई ना कुछ खा। ये पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये पूरे दोनों तरफ से हुई है। जो महाराज साहब के साथ जो मारपीट की है, उसका क्या? ये दोनों तरफ से चीजें हुई है, बिल्कुल हो गई है। आवेदन दिया है, आवेदन दिया है, और अगर दोनों तरफ से निपटाने की बात होगी तो निपटाएंगे, और दोनों तरफ से बढ़ाने की बात होगी तो बढ़ेंगे। इसलिए हम चाह रहे हैं कि दोनों तरफ से निपटी जाए ये चीज, और यही जनता के हित की बात है। जो हो गया वो हो गया, उसको पलटा नहीं जा सकता। कलेक्ट्रेट में ज्ञापन दिया, क्या कुछ मांग की आप? हमारा मांग प्रथम तो ये है, आपने नेशनल पार्क घोषित किया, शेयर लिया है, अच्छी बात है। हमारा ये कहना है कि जब पूरे देश में एक तरह के कानून है, जहाँ जहाँ प्राचीन मंदिर हैं, जहाँ जहाँ प्राचीन स्थान हैं, उनको देखने के लिए कहीं हिंदुस्तान में कहीं रोक नहीं है, तो फिर शिवपुरी नेशनल पार्क में ऐसा क्यों है? क्यों उनको रोके जा रहे हैं? क्यों वहाँ जो सत्चंडी यज्ञ होने जा रहा है उसको क्यों उनका रास्ता अवरुद्ध किया जा रहा है? क्यों मेहनतों पर, उन मेहनतों पर जिनके आधार पर ये भारतीय जनता पार्टी खड़ी है, उन मेहनतों पर, उन साधु संतों पर जिनके द्वारा ये भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई है, आज उनके विरोधी आप इस तरह के कृत्य कर रहे हैं, ये निंदनीय है। हम चाहते हैं कि जिनके जो रास्ता है पूरे देश भर में जो कानून है, तो शिवपुरी नेशनल पार्क में भी रास्ते को रोकने के लिए कानून की व्यवस्था, कानून व्यवस्था की जाए, जिसमें जनता भी कोई भी सुविधा है। ये मंदिर को आज का मंदिर नहीं है, प्राचीन मंदिर है, सालों से यहाँ शिवपुरी जिले के नहीं अभी तो पूरे मध्य प्रदेश का भक्तगण आता है श्रद्धा के साथ। खासकर इस मीटिंग में महाराज साहब ने रास्ता निकालने का बात की, ये क्या कहना है तुम्हारा इस बारे? अब महाराज साहब ने क्या बात की वो तो हमें नहीं पता, लेकिन हम अपनी मांग रखते हैं कि वो रास्ता ना रोके जाए, ना रास्ते को अवरुद्ध किया जाए। देश भर में जब नियम है तो यहाँ इस नियम का पालन क्यों नहीं किया जा रहा? ये माँ बलारपुर मंदिर शिवपुरी जिले ही नहीं, अन्य अंचल के आस्था का केंद्र है। उनके महंत पूर्ण निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार वहाँ सतचंडी यज्ञ करना चाहते हैं। जब वो उसकी तैयारी में थे, पुलिस बल एवं फॉरेस्ट
की उपस्थिति में फॉरेस्ट के अधिकारी कर्मचारियों द्वारा उनके साथ मारपीट की और इस सनातनी धर्म की आस्था का केंद्र का अपमान किया है। पुजारी जी के हाथ में फ्रैक्चर आया है कि उनके शिष्यों की भी पिटाई की गई है। कल हम जिला चिकित्सालय में उनसे मिलने गए थे, उन्होंने हमने देखा है धर्म की बात करने वाली इस सरकार में हिंदू धर्म पर हमले हो रहे हैं। इस घटना की हम घोर निंदा करते हैं एवं उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषियों को दंडित किया जाए, नहीं तो हम आंदोलन करेंगे।